जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन पालमपुर में। एक बार फिर से मैं आपके साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के साथ जुड़ चुका हूँ, जिसमें आज हम क्लास 7 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की हमारी ये सीरीज चली है। क्लास 6 तक हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। आज क्लास 7 आपके लिए रहने वाली है। एक बार वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें। और राजीव भारद्वाज हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, उनका भी वेलकम है आज की इस बेहतरीन क्लास में। एक बार शेयर आप जरूर कर दें, क्योंकि उसके बाद हम क्लास को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि आपके आंसर जो है वो भी आना जो है वो जरूरी है। पिछले कल काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था आप सभी का, जिसमें स्टैटिक जीके के जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कल पूछे थे। उससे पहले क्लास 5 तक हमने सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर प्रश्न ही आपसे पूछे थे। तो जो भी हमारा पार्ट 6 रहा था, काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स आप सभी का था। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें राजीव भारद्वाज क्रिएशन डेली जुड़ते हैं उनका वेलकम है, साहिल शर्मा, रुक्मणी, उसके बाद है मुनीश, जैस्मीन, ये सभी जुड़े थे। विशाल स्टडी जुड़े थे हमारे साथ, कीप बॉय हमारे साथ जुड़े थे। उसके बाद जो भी साथी हमारे साथ डेली जो है वो जुड़ते हैं उन सभी का वेलकम है। विशाल जुड़े थे, नितिन चौधरी, अंशुल चौधरी, अखिल कुमार, ये सारे जो भी साथी हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, अक्षय शर्मा जुड़ते हैं, तो उन सभी का जो है वो वेलकम है। डेली आप इसी तरीके से इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इस क्लास में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है, अगर कुछ कमी लग रही है कि किस तरीके से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डालने चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि सर एमसीक्यू आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए और थोड़ा सा बाइलिंगुअल अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, तो उसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो है वो मैंने बाइलिंगुअल प्रश्न और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डाल दिए। अगर आप कुछ इसमें और भी एडिशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है वो हमारे साथ शेयर करें, उसको भी मैं जो है वो ट्राई करूंगा कि जल्दी ही उसके ऊपर भी काम किया जाए। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली शाम 8 बजे जो है वो हमारी क्लास रहती है स्टैटिक जीके की। आज ये 7th क्लास हमारी रहेगी, स्टार्ट क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से आंसर, और 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। नेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। उस पहली महिला का नाम आपको बताना है जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। यानी कि क्वेश्चन आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि एक पहली वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन की बात की गई है, जो कि क्या बनी थी, चीफ जस्टिस बनी थी, और कहाँ की, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की, हाई कोर्ट, और वो किसी भी राज्य का हो सकता है। यानी कि पहली मुख्य न्यायाधीश जो है वुमेन में वो कौन बनी थी। उसके बाद आपको स्टेट का भी पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य था जहां से ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो 4 ऑप्शन है, मीरा कुमारी, लीला सेठ, अंजू जॉर्ज और पूर्वी जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है, जो आपने अभी कमेंट किया है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का ऑप्शन B, लीला सेठ जो है वो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब लीला सेठ इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लेकिन ये पहली बार जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो किस स्टेट की बनी थी, वो बनी थी हिमाचल प्रदेश की। तो आपने ऐसा पढ़ा है हिमाचल के जीके में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम क्या था, लीला सेठ। वो पहली हिमाचल की थी, और अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो वो क्या थी, पहली महिला वुमेन भी थी। पहली महिला वुमेन थी जो चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी स्टेट में जो है वो मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो उन्होंने संभाला था। इनको जो है वो विक्रम सेठ के नाम से जो है वो एक ख्याति जो है वो प्राप्त हुई थी। और
उसके बाद जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देश की ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने लंदन जो बार है वहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टॉप पोजीशन जो है वो हासिल की थी। यानी कि जो बार काउंसलिंग होता है कोर्ट से रिलेटेड, वहाँ पे लंदन से इन्होंने स्टडी की और लंदन बार में जो है वो उनके एग्ज़ाम में पहला स्थान जो है वो इन्होंने लिया था। 1930 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। और ये क्वेश्चन आपका HP GK से भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। हाई कोर्ट की बात की गई है, सुजाता मनोहर, अन्ना चांदी, लीला सेठ या फिर रूमा पाल। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कौन सी थी? लीला सेठ थी। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में अभी तक जो था वो हाई कोर्ट के जो जज थे वो कौन थे? मैन थे। हिमाचल के बाद उनकी ट्रांसफर हो गई और वो कहाँ की मुख्य न्यायाधीश बनी? दिल्ली की मुख्य न्यायाधीश बनी। तो हिमाचल की भी पहली न्यायाधीश अगर वुमेन की बात करें तो लीला सेठ थी, और अगर दिल्ली की भी बात करें तो वो कौन थी? लीला सेठ थी। ये जो है ऑप्शन सी इनका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया है। क्या बोला गया है? व्हेन वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से रेंज की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आज आपको डेट भी बताऊंगा कि कितने डेट से जो है वो कब तक जो है वो आपका पहला भारत में आम चुनाव जो है वो चला था। तो 1951-52 बिल्कुल सही आंसर आपने कमेंट किया है, 1951-52 इसका राइट आंसर है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 को ये शुरू हुआ था, यानी कि 1951 जो साल था उसके एंड में इसको शुरू किया गया और ये चला था 21 फरवरी तक। कब तक चला था? 21 फरवरी तक, 1952 तक जो है ये चला था, 1952 के स्टार्टिंग तक ये चला था। लगभग 4 से 5 महीने ये जो है वो आम चुनाव चला था। इस चुनाव में लगभग जो है वो 1874 उम्मीदवारों ने भाग लिया और इसमें टोटल जो दल थे, टोटल सॉरी 53 थे। टोटल कितने थे? 53 पार्टीज इसमें थी, जैसे BJP है, कांग्रेस है, आप है, तृणमूल कांग्रेस है, बसपा है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट जो पार्टीज थी वो टोटल स्टार्टिंग में कितनी थी? 53 थी। और इसमें से जो है वो कांग्रेस ने जो है वो जीत हासिल की थी। उस समय 489 जो थी वो सीटें थी और उसमें से 364 सीटें जो है उसने कांग्रेस ने जो है वो हासिल की। और देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में जो है वो चुना गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि टोटल स्टार्टिंग में 489 सीटें थी, उसमें से 364 सीटों पर जो है वो इन्होंने विजय हासिल की थी। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसका लेवल देखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि अभी हिमाचल का जो BEd का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था पिछले साल, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनका कार्यकाल कितने दिनों का था। तो देखिए, कितना क्लोज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कितने दिनों का था। दिनों का मतलब है कि आपसे अगर ये पूछा जाता कि 3 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, या 9 या फिर 10 साल का है, तो इस तरीके से जो है वो हम कहीं ना कहीं पे एक गैस या फिर तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो क्या बोला गया था, दिनों की बात की गई थी और दिन भी क्लोज क्लोज थे। जैसे 1400 था, 1450 दिन थे, फिर 1500 था, फिर 1600 था, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो कई बार क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपके एग्जाम में इस तरीके का भी पूछा जा सकता है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डज द 66 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स। देखिए, जो 66 से ही 1/2
अंश है उसको दक्षिणी अक्षांश में क्या कहा जाता है, क्या वो दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री के ऊपर जो है वो झुकी हुई है, और बाकी हिस्सा कितना बचता है, 66.5 डिग्री जो है वो बचता है। अब 66.5 डिग्री, जो आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल टेढ़ा जैसा, इस तरीके से ग्लोब आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है, बिल्कुल टेढ़ा। अब ये जो है, अगर इससे मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं पास करवाऊं, जस्ट सेकेंड, अगर इसमें से मैं एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं इसे इस तरीके से पास करवाता हूं, बिल्कुल, तो आप देखिए ये वाला जो एंगल बनता है ये 23.5 डिग्री का बनता है, और बाकी ये जो बनता है ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये बन गया 23.5 डिग्री का, और ये कितना बच गया, 66.5 डिग्री का बच गया। देखिए इस अर्थ जो है वो इस तरीके से है कुछ। अब 23.5 डिग्री के अर्थ हमारी झुकी हुई है, और बाकी हिस्सा जो वो 66.5 डिग्री है। जब इसको जो है वो एक अगर एक रेखा के अकॉर्डिंग अगर इसको दर्शाया जाता है, तो ये हमारी रेखाएं बनती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा आती है? अब देखिए दक्षिण की बात की गई है, दक्षिण में सबसे लास्ट वाली रेखा, क्योंकि साउथ जो है वो इस तरफ है। अब सबसे लास्ट वाली रेखा दक्षिण ध्रुव होगा, तो दक्षिण वाला ही ऑप्शन आएगा फिर तो। देखिए ये तो कर्क रेखा, ये तो हो नहीं सकता, मकर है, उत्तर वाली तो हो नहीं सकती, बची क्या, दक्षिण ध्रुव वाली बची, उसको क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही गया है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल मैंने भी खुद ये उम्मीद नहीं की थी कि शायद इस तरीके का कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने इसकी जो शिफ्ट है, जिस पेपर में ये पूछा गया है, वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट डाली है। एसएससी जो +2 लेवल का आपका सीएचएसएल का एग्जाम रहता है, उसमें 17 जनवरी 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लास्ट शिफ्ट में। ठीक है जी, थर्ड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, आपसे क्या पूछा गया कि 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है जब अक्षांश का एक अंश हम काउंट करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हाइट हम काउंट करते हैं ना, जब हाइट को काउंट किया जाता है कि ये जो है वो कितना है, हाइट हमारी 10,000 लैटिट्यूड पे है या फिर 12,000 लैटिट्यूड पे है, तो मतलब है ये उसमें जब हम 1 डिग्री की बात करते हैं, 1 डिग्री की जब हम बात करते हैं कि 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, तो इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस कितना है, उसका 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, ये चीज आपसे जो है वो क्वेश्चन में पूछी गई है, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का कितना मतलब होता है। तो देखिए 11 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 111 या फिर 311। नहीं शर्मा मुनीष, आपने जो आंसर दिया है वो गलत है, 311 इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, 111, 111 इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो 1 डिग्री की वैल्यू जो मानी जाती है, 1 डिग्री की जो लैटिट्यूड जो है वो माना जाता है, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो 111 किलोमीटर के आसपास जो है वो उसको माना जाता है। और अगर इसे एक ग्रीक लैंग्वेज में अगर बताया जाए, तो फिजिक्स में इसको जो है वो फाई के मान से जो है वो हम मेजर करते हैं। बिल्कुल सही आंसर, जिनका 111 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम वॉज बिल्ड ऑन कृष्णा रिवर, ऐसा कौन सा डैम है जो कृष्णा रिवर के ऊपर जो है वो बनाया गया है, कौन सा बांध कृष्णा नदी के ऊपर बना है, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, भाखड़ा नांगल या फिर टिहरी बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले भी ये क्वेश्चन आपकी क्लास में डिस्कस मैंने करवाया है, ट्रिक से जो है वो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण से आपको याद रखना है, कृष्ण का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो किस चीज से है, किससे है, नाग से है, किससे है, नाग से। उन्होंने क्या किया था, यमुना नदी के अंदर जो सांप रहता था, नाग रहता था,
उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, डांस किया था। ये तो आप सभी जानते हैं, कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो स्टोरी है उसमें आपने ये सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, नागार्जुन सागर बांध। जो भगवान कृष्ण थे उनका संबंध किससे है, उनका संबंध है नाग से। जब वो खेल रहे थे तो उनका बोल जो है वो यमुना नदी में गिर गया था, और फिर जब वो नदी में कूदे थे तो उन्होंने नाग को पकड़ा था और उसके ऊपर क्या किया था, डांस किया था, ये आप सभी जानते हैं। तो नाग से ही आप कृष्ण को ध्यान में रखिए, तो नागार्जुन सागर बांध ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राजीव भारद्वाज, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो सागर है वो कहाँ पर है, ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नोट्स आप साथ साथ में बनाते चलिए, नहीं तो आप विजयपथ एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, विजयपथ तैयारी, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें विजयपथ एजुकेशन ऐप। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। सो ये जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, कौन से नदी पर, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बगली हार बांध जो है वो कहाँ पर है, बगली हार डैम कहाँ पर लोकेटेड है, आपको बताना है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर तेलंगाना। बगली हार कहाँ पर है, बगली हार जल्दी से आप बताइए क्या आंसर है इसका। बगली हार जो है ये आपका स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बगली हार कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये जो है एक बिजली को जनरेट करने की एक मुख्य योजना है, विश्व बैंक ने जो है वो इसको जो है वो काफी ज्यादा अप्रोच जो है वो की थी, और पाकिस्तान से भी थोड़ा सा इसका रिलेशन है, तो पाकिस्तान ने जो है इसका विरोध किया था। सिंधु जल समझौता जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक कन्फ्लिक्ट जो है वो चला हुआ है। बेसिकली आपको बस यही ध्यान में रखना है कि बगली हार बांध जो है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर पर है। अगला प्रश्न है, मुद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च टू हेल्प, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए जो है वो शुरू किया गया था, स्मॉल बिजनेस के लिए यानी कि लघु कारोबार, उसके बाद सीमांत किसान यानी कि जो मार्जिनल फार्मर्स थे, या फिर यहाँ पे फार्मर्स आएगा, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, उसके बाद पुअर वुमेन गरीब महिलाएं, या फिर रूरल सेक्टर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि जो मुद्रा बैंक था वो किस पर्पस के लिए जो है वो ओपन किया गया था। 8 अप्रैल 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई, और किस पर्पस से इसको शुरू किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार की एक मुख्य योजना है, और मुद्रा की जो फुल फॉर्म है कई बार वो भी आपसे पूछ ली जाती है, MUDRA। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, माइक्रो यूनिट्स, इसका क्या आंसर है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनरी, रिफाइनरी एजेंसी, एजेंसी क्या इसका फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी। अब देखिए रिफाइनरी की बात की जा रही है, रिफाइनरी कहाँ पर है, रिफाइनरी आती है आपकी बिजनेस में, कहाँ पर आती है, बिजनेस में। इस योजना के तहत जो है वो मैक्सिमम 10 लाख तक जो है वो कर्ज जो है वो दिया जाता है, जो भी अपना एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो किससे रिलेटेड है, स्मॉल बिजनेस यानी कि लघु कारोबार से रिलेटेड है। 8 अप्रैल 2015 को इसकी भारत सरकार ने जो है इसकी जो स्थापना है वो की थी, या फिर इसकी जो स्कीम है वो लॉन्च की थी। अगला प्रश्न है, आंसर कीजिए आप इसका भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, पीपल अबव द एज ऑफ विच ईयर आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कितने वर्ष के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं है। अटल पेंशन योजना है, वैसे ही आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए कि उस एज के ऊपर जो है
वो इस स्कीम के लिए जो है वो लोग पात्र नहीं होंगे। 60 साल, 40 साल, 45 साल या फिर 50 साल। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये 18 वर्ष से लेके सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक के लोगों के लिए है। इसमें इस योजना में जो है जैसे कि जो मिड डे मील के वर्कर हैं या फिर जो बोझा ढोते हैं, ईंट ढोते हैं, घरेलू काम करते हैं, धोबी, रिक्शा चालक, जो मजदूर हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी 2019 में, 5 मार्च 2019 में इस स्कीम को जो है वो शुरू किया गया था। और अहमदाबाद शहर में, गुजरात के अहमदाबाद में जो है वो इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। इसमें जो है वो उनको थोड़े से पैसे जो है वो सरकार को देने हैं, उसके बाद उनको जो है वो सरकार उसकी डबल की फॉर्म में जो है एक इनकम जो है वो मानधन योजना जो है वो उनको प्रोवाइड करवाती है। अगला प्रश्न है, गिल्टी रोग किस कारण होता है? तो आपसे पूछा गया है एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय, किसके कारण है गिल्टी? आप सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन इसका राइट आंसर कई बार हमें पता नहीं होता। नॉर्मल सी बीमारी है, गिल्टी किसी को भी हो जाती है। जैसे कि जब भी हमारी जो स्किन है अगर वो वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लेवल की हो जाए और थोड़ी सी उठी हुई हो जाए, यानी कि जो हमारा जैसे कि हाथ की उंगली, अगर उसकी उसकी जो स्किन है अगर वो थोड़ी सी अप डायरेक्शन में आ जाती है और थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? गिल्टी कहते हैं। ज़्यादातर ये गले में या फिर पेट में होने की संभावना है। तो गिल्टी जो है ये किस कारण से होती है? तो गिल्टी किस कारण से होती है? बिल्कुल 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 राइट आंसर दीजिए जल्दी से सब भी, जो भी साथी जुड़े हैं राइट आंसर आप जरूर शेयर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपने इसका दिया है। तो गिल्टी जो है वो मुख्य रूप से किस कारण होती है? ऑप्शन बी, बैक्टीरिया या कीटाणु के कारण होती है। इसमें जो है वो एंथ्रेक्स नामक जो है वो एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वो ये मुख्य रूप से एंथ्रेक्स जो है वो मिट्टी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। जानवरों को जो है वो काफी ये घातक करता है, और गिल्टी रोग जानवरों में जो ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए जानवरों का क्या किया जाता है? टीकाकरण, गाय, भैंस, बकरी या फिर जो भेड़े वगैरह हैं, पशु, जो भी पालतू पशु हैं उनमें जो है वो इसकी रोकथाम के लिए जो है वो टीकाकरण जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है फिजिक्स से रिलेटेड, हिग्स बोसोन का संबंध जो है वो किससे है? और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं आपको पता होना चाहिए हिग्स बोसोन बेसिकली है क्या। इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो आई थी हिग्स बोसोन की। हिग्स बोसोन को जो है वो गॉड पार्टिकल के नाम से जो है वो जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक्चुअल में क्या था, देखिए आप सभी जानते हैं हिग्स बोसोन, अगर मैं एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल है, देखिए अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो हमें सिर्फ ये पता है कि जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं वो कौन से हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हमें पता है कहाँ तक, क्लास 10th तक। जब हम क्लास 12th तक चले जाते हैं, क्लास 12th तक चले जाते हैं या फिर अगर हम कॉलेज लेवल तक चले जाते हैं साइंस स्ट्रीम में, तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो छोटी हैं। जैसे कि आपके बोसोन हैं, लेप्टोन हैं, हेड्रोन हैं, ये जो भी आपके फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो सारी की सारी आपके इस कॉलेज की स्टडी में आपको पढ़ाए जाते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमने क्लास 10th या क्लास +2 तक सिर्फ यही पढ़ा था कि जो भी चीज़ें बनी हैं वो किससे मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, चाहे वो मॉलिक्यूल है, एटम है, फिर न्यूक्लियस है, कोई भी चीजें हैं वो किससे मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। लेकिन जब आप मास्टर लेवल से ऊपर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी ना किसी चीज से बने हैं, और उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं क्वार्क्स। क्या कहते हैं? क्वार्क्स, जिसमें स्पिन आती है, हाफ आती है, हैड्रोन कोलाइडर, ये सारे जो चीजें हैं वो इसी में काउंट की जाती हैं। अब हुआ क्या था कि अमेरिका में जो है एक मशीन लगाई गई थी जिसको लार्ज हैड्रोन कोलाइडर के नाम से हम जानते हैं, और ये लार्ज हैड्रोन कोलाइडर बेसिकली काम क्या करता है, जो अर्थ में जितनी भी वेव जो पास आउट होती हैं उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अब ये डिटेक्ट करने का काम किसका है, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर का है। अब जब ये मशीन इन्होंने क्या की थी, डिटेक्ट कराई थी, इस तरीके से ये मशीन मैंने लगा दी यहाँ पर, लगभग ये 52 किलोमीटर के आसपास जो थी शायद लंबी थी ये,
ठीक है, 52 किलोमीटर के आसपास ये लंबी थी। अब हुआ क्या कि जब ये बेफ जो है वो अर्थ के इस यहाँ से जो है वो पास आउट हुई, तो इस मशीन ने उसको क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। अब मशीन को जब इसने डिटेक्ट कर लिया तो उस थ्योरी का जो नाम है, यानी कि जो हिग्स बोसोन उसने डिटेक्ट किए थे, उसी चीज़ को जो साइंस के कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, गोल्ड पार्टिकल। क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम नहीं देख सकते, हमने उसको डिटेक्ट कर लिया, हमने उसको देख लिया, इसीलिए हमने उसको क्या बोला था, गॉड बोला था। अब गॉड एक्चुअल में वो गॉड नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टिकल है, इसलिए उस थ्योरी का नाम क्या पड़ गया, गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन के ऊपर एक काफ़ी फेमस बुक जो है वो पब्लिश की गई थी, उस बुक का नाम क्या रखा गया था, गॉड पार्टिकल रखा गया था। गॉड पार्टिकल एक ऐसा एक फेमस जो एक पार्टिकल हुआ था 2013 के आसपास, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो इसके लिए आई थी। और उसके बाद ये बेसिकली थ्योरी जो है वो 1964 से जो है वो शुरू हुई थी, और उसके बाद ये काफ़ी फेमस हुआ था गॉड पार्टिकल से 2013 के आसपास, 2013 में काफ़ी फेमस हुआ था ये। 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1993 में इस पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए उन साइंटिस्टों को नोबल पुरस्कार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, उनको दिया गया था। और उनका नाम था लियोन लेंडरमान, लियोन लेंडरमान को क्या दिया गया था, नोबल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मैमल, क्लोन या फिर शीप। तो ये आप सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, पहले स्तनपाई क्लोन या फिर भेड़ का नाम क्या था, आर्टिफिशियल जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग से जो है वो तैयार की जाती है, तो उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम रखा गया था डॉली। आप सभी जानते हैं ये आपकी क्लास 10th की बुक्स में जो है वो दिया गया है, तो डॉली इसका नाम था। और कब इसको तैयार किया गया था ये भी आप पता रखें, 1997 में, 1997 में जो है वो पहली बार एक भेड़ का क्लोन जो है वो तैयार किया गया था। क्लोन बेसिकली क्या है, जिसको एक नेचुरल तरीके से हटाकर आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि एक आर्टिफिशियल तरीके से भेड़ का निर्माण किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्लोन कहते हैं। 1957 में ये पहली बार जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास जो है वो किसने लिखा था। आंसर आप बताइए, क्या राइट आंसर इसका रहेगा, देवदास जो नोबल था वो किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर आप शेयर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर था, देवदास जो है वो किसने लिखा था। सो इसमें आपके ऑप्शन में आंसर आप शेयर कीजिए क्या राइट आंसर है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने गीतांजलि की जो है वो लिखी थी, गीतांजलि लिखी थी, उसके साथ साथ उन्होंने एक नोबल और लिखा था, वो भी आप ध्यान रख लें, गोरा। उसके बाद अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी जो वो उन्होंने गोदान लिखी थी, उसके बाद एक गोदान के बाद जो है एक गबन, गबन लिखी थी, कर्म भूमि भी उनके द्वारा जो है वो लिखी गई थी, गबन लिखी थी, उसके बाद कर्म भूमि भी उनके द्वारा लिखी गई थी। और ये आप जानते हैं कि गोदान काफ़ी फेमस उनकी जो है वो नॉवल है, और ये आपकी हिंदी की जो बुक है उसमें भी ये लगाया जाता है, क्लास 10th तक जो है इनकी नॉवल्स को पढ़ाया जाता है। मुल्कराज आनंद जी ने जो है वो कुली नामक एक उपन्यास लिखा था, तो ये तो नहीं है, लास्ट में बचे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यही इसका राइट आंसर है। देवदास और चरित्रहीन ये दो मुख्य उपन्यास किसके हैं, ये हैं आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने जो है वो मधुशाला लिखी थी, ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी। मधुशाला जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो कविताओं से रिलेटेड है। किसने लिखी, चार ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी रविंद्रनाथ ठाकुर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मुंशी प्रेमचंद। आंसर शेयर कीजिए, क्या राइट आंसर है इसका। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका मधुशाला किसने लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन कौन कौन है, तो जो अमिताभ बच्चन है, जो फेमस एक्टर हैं
फेमस एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, उनके कौन है ये, उनके पिताजी हैं। उनके कौन है, पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक फेमस क्या थे, एक पोइट थे। उन्होंने मधुशाला जो है वो बुक जो है वो लिखी थी। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आंसर बताइए जल्दी से, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए, क्रिकेट तो कहाँ का है, क्रिकेट है आपका इंग्लैंड का, ठीक है जी, इंडिया का नहीं है, इंडिया का क्या है, हॉकी है। उसके बाद अगर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल कहाँ का है, फुटबॉल है आपके ब्राजील का, अन्य देशों का भी हो सकता है, जैसे ब्राजील का है। उसके बाद फ्रांस का है, फ्रांस का भी क्या है, फुटबॉल ही है। एक गेम जो है वो मल्टीपल देशों की जो है वो हो सकती है। अब चीन का क्या है, चीन का है टेबल टेनिस। ये तो आ गया किसका, चाइना का, किसका आ गया, चाइना का आ गया। अब बची रग्बी, तो रग्बी किसका है, साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है, कहां का, साउथ अफ्रीका, और साथ में न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का भी क्या है, रग्बी है। तो इससे देखिए, क्वेश्चन सिर्फ एक था, लेकिन इन चारों ऑप्शन के जो है वो मल्टीपल हमने जो है वो इसके क्वेश्चन बना दिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है जो एक एड में आता है, यानी कि टीवी की एड में आता है, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वहां से देखिए, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2019 में आपसे जो है ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, शिफ्ट वन में। द टेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसका एक ब्रांड स्लोगन है। आपने सुना होगा, एड्स आती हैं कई बार, या फिर न्यूज़पेपर में भी इसकी एक एडवर्टाइजमेंट जो आती है। टेस्ट ऑफ इंडिया किसका एक स्लोगन है, अमूल का, पेप्सी का, डेरी मिल्क का, या फिर रसना का। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं किस पेपर में पूछा गया है, जेई इलेक्ट्रिकल, कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का आपका एग्जाम है। इन इन पेपरों में अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि पेपर वाले कुछ भी डाल सकते हैं आपके लिए। तो इसका मतलब आपका जो दिमाग है वो चारों तरफ जो है वो खुला होना चाहिए। टेस्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल राइट आंसर आपने कमेंट किया है, राजीव भारद्वाज। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को एक बार लाइक आप जरूर कर दें। अब जो आपके क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो बिल्कुल बेसिक आपके स्टैटिक रहेंगे, और जो आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किए हैं, उस तरीके के आपके क्वेश्चन हैं। बिल्कुल अमूल दूध, अमूल दूध का जो है वो द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है, इनका राइट आंसर रहेगा। इनका क्या है, ये ब्रांड जो है वो स्लोगन है। जल्दी से आंसर आप कमेंट कीजिए कि द टेस्ट ऑफ इंडिया या फिर अमूल जो एक कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है अमूल कंपनी का। जल्दी से आंसर आप शेयर कीजिए, ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसमें जो है वो भारत में जो है वो आप सभी जानते हैं, श्वेत क्रांति के नाम से जो है बेसिकली दूध को माना जाता है, और अमूल जो है वो डेयरी प्रोडक्ट ही सेल करता है, डेयरी प्रोडक्ट ही वो सेल करता है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, घी, ये अमूल के जो है वो कुछ फेमस प्रोडक्ट हैं। और इसकी जो स्थापना, अगर अमूल की बात करें, ठीक है, अमूल जो है वो भारत का एक सहकारी आंदोलन आप मान के चल सकते हैं, मतलब कि एक कॉरपोरेशन है इंडिया गवर्नमेंट के साथ, जिसको 14 दिसंबर 1946 में जो है वो शुरू किया गया था। आप कमेंट कीजिए कि इसके जो है वो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, द टेस्ट ऑफ इंडिया या फिर अमूल कंपनी के। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रशिक्षक जो है इज द एजुकेशन पोर्टल फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है। प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एक शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किसके लिए लॉन्च किया गया है, छात्रों के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए, ये आपको बताना है। प्रशिक्षक एक इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर आप शेयर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। प्रशिक्षक जो है वो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, अब ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है वो शुरुआत की गई है। तो आपको बताना है कि ये किसके लिए जो है वो शुरू किया गया है। प्रशिक्षक,
आंसर शेयर कीजिए, क्या राइट आंसर इसका रहेगा। देखिए, प्रशिक्षक जो है उसकी जरूरत किसे पड़ती है, प्रशिक्षक को हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षक में ही इसका आंसर जो है वो छिपा है, प्रशिक्षक से ही आप जो है वो इसका आंसर बता सकते हैं। प्रशिक्षक में एक शब्द क्या है, शिक्षक, शिक्षक यानी कि टीचर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये जो है ये भारत सरकार की एक मुख्य योजना है जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और प्रशिक्षण संस्थानों में जो है वो इसको मुख्य रूप से जो है वो लागू किया गया है। भारत के लगभग जितने जिले हैं उनमें जो है ये ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बनाए गए हैं टीचरों की हेल्प के लिए। अगला प्रश्न है, द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्ट ऑफ अ टू मील एवेन्यू विच इज प्रेजेंटेड डे राजपथ वॉज नोन एज। अब आप सभी जानते हैं दिल्ली में जो सरकारी परिसर है उसमें 2 मील चौड़ा जो रास्ता है उसे हम क्या कहते हैं, राजपथ कहते हैं। उसे स्टार्टिंग पॉइंट में या हिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उसे हम क्या कहते हैं, राजपथ कहते हैं। एसएससी एमटीएस 2017 का आपका ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो जहां पर एक परेड की जाती है राजपथ जो है वो कहां पर है, दिल्ली में है, उसे पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। बेसिकली 2 मील चौड़ा रास्ता है जहां पे जो है वो परेड की जाती है, इंडिया गेट से होते हुए जो है वो विजय चौक से होते हुए जो है वो इंडिया गेट तक जो है ये आपका रास्ता जाता है, और ध्यानचंद स्टेडियम भी जो है वो इसी रास्ते में आता है, राष्ट्रपति भवन के पास है ये, जिसको हम राजपथ कहते हैं, परेड होती है यहाँ पर, इसको पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था। तो राजपथ को जो है वो 1947 तक जो है वो उस रास्ते को किस नाम से जानता था, किंग सबे के नाम से जानते थे, और इसके बाद वर्तमान में जो है वो इसे किस नाम से जाना जाता है, राजपथ के नाम से जो है वो जाना जाता। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस के पेपर्स में। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को, क्रिकेट खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, अभी तक अर्जुन अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। काफी अच्छा प्रश्न, क्रिकेट के सभी फैन हैं तो आपको आंसर पता होना चाहिए। विच इंडियन क्रिकेटर हैज नॉट रिसीव द अर्जुन अवार्ड येट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या फिर आर अश्विन, ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है। भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे टॉप खिलाड़ी की लिस्ट आपको दे दी गई है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या फिर आर अश्विन, हर किसी के पास जो है वो अपनी अपनी स्किल है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार जो है वो किसी एक खिलाड़ी को अभी तक नहीं मिला है। अर्जुन पुरस्कार बेसिकली खिलाड़ियों को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, तो उस खिलाड़ी का नाम है कैप्टन कूल। कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2023 का देखिए आपका क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 का, सीएचएसएल जो भी आपके एग्जाम जो है वो हुए हैं, 2023 का जो है आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और पता होना चाहिए, 2019 का जेई मैकेनिकल का आपका ये क्वेश्चन है एसएससी का। देखिए, मई 2019 में एक वीडियो गेम जो है वो काफी फेमस हुई थी, हमने खुद खेली है, और उस गेम का नाम जो है वो आपको बताना है, गेम्स का नाम क्या था, कि जो एक लड़का था 6 घंटे तक उसने जो है वो ऑनलाइन एक वीडियो गेम खेली थी और उसे जो है वो हार्ट अटैक जो है वो पड़ा था, जिसके बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। वीडियो गेम जो है वो टीवी पे खेले जाने वाली गेम नहीं है, वो आप फोन पे भी आप प्ले जो है वो कर सकते हैं। तो वो वीडियो गेम कौन सा था, देखिए इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है, अपने तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 की शिफ्ट में वही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया है। फॉरनाइट है, क्लैश ऑफ क्लैंस है, एंग्री वर्ड्स है या फिर पबजी है। आंसर शेयर कीजिए क्या इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर क्या है इसका,
पबजी। ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। पबजी जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि काफी फेमस हुई थी ये गेम और इसके बाद जो है वो उस बच्चे की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अगला प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए, स्टैचू भारत की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसमें जो है वो आठवां अजूबा भारत से सिलेक्ट किया गया है, और ये अजूबा कौन सा है, आपको पता है मूर्ति है, ये किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। 182 मीटर की जो है वो ऊंची प्रतिमा रखी गई है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, नर्मदा नदी पर रखी गई है, और कहां पर है, गुजरात में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अंतिम प्रश्न है आपसे, इसका जो आंसर है वो आपको बताना है क्या राइट आंसर है। कुछ टाइम पहले जो है वो मैगी के ऊपर जो है वो बैन लग गया था, आप सभी जानते हैं, उसमें कुछ खतरनाक पदार्थ जो है वो पाए जाने की संभावना जो है वो लगाई गई थी, और 2016 में जो कंपनी जो ऑल बर्ड लेवल पे जो कंपनी है, बर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बर्ड लेवल की, तो वो पूरी की पूरी कंपनी क्या हो गई थी, बैन हो गई थी, बंद हो गई थी। लाखों के हिसाब से जो नेस्ले के जो नेस्ले के अंडर आती है आपकी ये मैगी, तो जो नेस्ले के जितने वर्कर थे लाखों के हिसाब से वो बेरोजगार हो गए थे, और 5 जून 2016 को जो है इसको पूरे भारत में भी क्या कर दिया था, इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो इसके अंदर क्या पाया गया था, जिंक, मैग्नीज, लेड या फिर पारा, इसके अंदर पाया गया था लेड, लेड की मात्रा पाई गई थी, इसलिए भारत का जो फेमस ब्रांड है नेस्ले का मैगी उसके ऊपर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपसे यहाँ पर डेली की डेली पूछ रहा हूँ, साथ में आप जो है वो डेली हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में करंट अफेयर और न्यूज़पेपर विजयपथ एजुकेशन के साथ आप आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक जो है वो आपको दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन करें, जिसमें आपको डेली हिंदी के न्यूज़पेपर, जैसे जो लोकल न्यूज़पेपर रहते हैं हिमाचल के, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, इस तरीके के आपको पेपर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, इस तरीके के आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में डेली टू डेली करंट अफेयर आपको मंथली, वीकली भी प्रोवाइड करवाया जाता है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। मंथली मैगजीन आपको, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, वीकली आपका न्यूज़पेपर है हिंदी का, हिमाचल का स्पेशल न्यूज़पेपर, गिरिराज न्यूज़पेपर भी आपको जो है वो भेजा जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें और बने रहें इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।